कहां से आ रहे हो? मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कहां से आ रहे हो? वो क्या हो गया पा? नहीं, दूसरों के पास था, मैं कहां जा सकता? देखो बेटा, मैं तुम्हारी इन हरकतों से तंग आ चुका हूं और तुम्हें बार बार समझा कर थक चुका हूं, बस और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब्बा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मेरे पे अपना वक्त मत जाया करे, लेकिन आप मैं क्या समझते ही नहीं है। मुझे अब नींद आ रही है, गुड नाइट। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी जिससे तुम्हारी शादी होगी। अब्बा, मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि मैंने शादी नहीं करनी, आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड, लेकिन आप है क्या समझते ही नहीं है। तो बेहतर यही है, बस आप मुझे फोर्स मत करें, समझे? ठीक है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी तो घर से बाहर निकल जाओ। अब्बा, ये क्या कह रहे हैं, मैं आपका बेटा हूं। बस आज के बाद मुझे अपना बाप मत कहना। बेटा ऐसा होता है जिसे बाप के साथ बोलने की तमीज ही नहीं है। तुम्हें आज के बाद कोई खर्चा नहीं मिलेगा और ना ही तुम घर में रहोगे, और जायदाद से तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अब्बा, बस अगर तुम ये सब चाहते हो तो मेरी बात मान लो, वरना दरवाजा खुला है और तुम जा सकते हो, और इस घर के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है तुम्हारे लिए। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है आपको? नहीं। वैसे आप जा कहां रहे हैं? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मुझसे मत पूछा करो कि मैं कहां जा रहा हूं? वैसे ही पूछ रही थी मैं तो। तुम्हें से क्या, मैं जहां भी जा रहा हूं, मेरी मर्जी है, मेरी जिंदगी है ये, समझी तुम? अभी दिमाग खाती रहती हो। अच्छा, वापिस कब आना है आपने? तुम्हें समझ नहीं आ रहा, पागल तो नहीं हो? मैंने तुम्हें बोला तो है कि मैं जहां मर्जी जाऊं जब मर्जी वापिस आऊं, समझी तुम? अब मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम मुझे बार बार कॉल क्यों कर रही थी? जब बंदा फोन ना उठाए तो समझ जाना चाहिए वो कहीं बिजी हो सकता है, उससे कोई काम हो सकता है, लेकिन तुम वो समझने का नाम ही नहीं ले रही। बार बार फोन पे फोन, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल। आज के बाद मुझे तुम्हारी दूसरी कॉल ना आए। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आपके लिए खाना लेके आऊं? बहुत शुक्रिया, खाया हूं मैं। तुमने खाना खा लिया? नहीं, मैं आपका वेट कर रही थी। क्या? इसीलिए आपको कॉल कर रही थी। तो जाओ, जाकर खाओ, और जाते हुए लाइट बंद कर देना, मुझे नींद आ रही है। या अल्लाह पाक, मैंने हमेशा आपसे दुआ की है मुझे जिंदगी में नेक शौहर देना, लेकिन मैं फिर भी
शुक्र अदा करती हूँ उस जात का जिसने मुझे पैदा किया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तुझे साल में रखे, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। अब्बा जी, अब्बा जी, क्या हुआ बेटा, अभी तक सोई नहीं आप? वो ना रात के 3 बज गए हैं, फराज अभी तक घर नहीं आए। क्या ये तुम क्या कह रही हो, फोन करो उसे। नहीं, कॉल भी नहीं उठा रहे। मैं करता हूँ फोन उसे। बेटा उसका नंबर तो बन जा रहा है। तो मुझे उनकी फिक्र होने लग पड़ी है। आप फिक्र ना करो बेटा, अल्लाह सब खैर करेगा। क्या बात है अब्बा, आप अभी तक सोए नहीं, इतनी रात हो गई है। मैं शर्म आनी चाहिए, टाइम देखो कितना हो गया है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी शादी करूंगा और तुम सुधर जाओगे, लेकिन नहीं, मैंने अपने साथ साथ इस लड़की की जिंदगी को भी अजाब में डाल दिया है। कमबख्त इंसान, कुछ तो शर्म हया कर लो। मेरा नहीं, कम से कम इस बच्ची का ख्याल कर लो, जो तुम्हें दिन रात खाना टाइम पे बना के देती है, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे जूते, यहां तक के दिन रात तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआएं मांगती है कि या अल्लाह मेरा शोहर एक अच्छा इंसान बन जाए, ठीक हो जाए, लेकिन तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मेरी बात तो सुने। बा! बा, मुझे माफ कर दे। मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो, इस बच्ची से माफी मांगो जिसका तुमने दिल दुखाया। बेगम मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मेरी गलती माफी मांगने के लायक नहीं है, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकती। देख लो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मेहरबानी होगी, मुझे माफ कर दो। मैं मजाक कर रही हूँ। खाना घर आके खाएंगे। अल्लाह हाफिज़।